सोलन में घर में आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। आपको बता दें कि आग लगने के कारण कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि घर में किसी के भी ना होने की खबर सामने आई है। पड़ोसियों के द्वारा घर वालों व दमकल केंद्र को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद अग्निमिशन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। मेरा नाम कमलजीत है और मैं फायर अफसर सोलन हूं। आज सूचना मिली कि स्पाटू रोड पे जो है एक घर में आग लगी है, तो तुरंत हम जो है गाड़ी लेकर आए और जब यहाँ देखा तो बहुत धुआं निकल रहा था और जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था सड़क से। तो बड़ी मुश्किल से हमने जो है लोगों की सहायता से जो है अपने पाइपों को भी छाकर जो है स्पॉट तक जो है पहुंच की और उसके बाद जो है आग को बुझाना शुरू किया। आग को लगभग जो आस पड़ोस के लोग थे और जो मकान मालिक था, उन्होंने पूरी तरह से बुझाने की कोशिश की। और जहाँ तक नुकसान का जो अभी आलंकन हम कर रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन जो कमरे के अंदर रखा हुआ था सारा सामान जो है वो जल गया है। और मेरे हिसाब से लगभग 2.5 से 3 लाख के करीब जो है जो अंदर का सामान था उसी का जो है नुकसान हुआ है। बाकी जो बिल्डिंग को जो कमरा था, दरवाजे थे, खिड़कियां थी, उनको भी जो है नुकसान हुआ, वो भी जल गए। अभी आग लगने के कारण जो हम फौरी तौर पर देख रहे हैं, वो जैसा कि लोगों ने बताया और हमने भी यहाँ पर आकर देखा है, तो हमें इसका जो शॉर्ट सर्किट लग रहा है।